समाप्त हुई है शरद ऋतु। शरद ऋतु यानी कि सर्दी जैसे शुरू हुई है तो तथागत बुद्ध प्रातः उठ करके चले। सुबह जा रहे थे तो आगे उन्होंने एक दृष्ट देखा कि एक तालाब है। एक तालाब है और तालाबों में तो बसा हुआ पानी होता है, कई दिनों का भरा हुआ होता है। तो बुद्ध ने देखा है कि उस तालाब में सर्दियों के महीने में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। उस महीने में वहां उन्होंने देखा कि बसे हुए पानी में एक प्राणी आता है। बुद्ध ये दृष्ट देख रहे हैं कि तालाब के किनारे एक प्राणी आता है तो वो क्या करता है कि तालाब किनारे एक प्राणी जिसका नाम सिंघाल था। ध्यान देना, जिसका नाम सिंघाल था और वो सिंघाल ने वस्त्रों को उतार करके और वो बसे हुए पानी में कूद गया। कांप रहा है सर्दियों का महीना। आपने देखा होगा जब हम और आप सभी लोग सर्दियों के महीने में सुबह नहाते हैं समर या हैंडपंप से तो बड़ी ही सर्दी लगती है। लेकिन वो प्राणी सर्दियों के महीने में वो भी कई दिनों के बसे हुए पानी में स्नान कर रहा था सुबह सुबह। जब बुद्ध ने देखा कि ये प्राणी सुबह वो भी इस बसे हुए पानी में स्नान किया जिसने और निकल करके तालाब की पार पर आया, निकल कर तालाब की पार पर बैठ गया। बुद्ध ने देखा ये मानव है कैसा। उन्हें मालूम था कि ये संसार की अंधकार में पड़ा हुआ है। आज बुद्ध पास में पहुंचे हैं और जब बुद्ध पास में पहुंचे हैं तो बुद्ध ने कहा है बुद्ध ने जवाब दिया है वहां जाकर के सिंघाल से, अरे सिंघाल तुम तो बहुत जोर से कांप रहे हो।